मुझे कपड़ों की वजह से एक सीरियल में रिजेक्ट किया गया था। ये पोस्ट मैंने कुछ दिन पहले डाला था और आप सबने पूछा कि मैं डिटेल में बताऊं ऐसा क्या हुआ था, और मैं खुद भी ये चीज़ शेयर करना चाहती थी क्योंकि अब मैं एक इमेज कंसल्टेंट हूँ, मुझे मालूम है कैसे कब तैयार होना होता है ताकि आप किसी भी प्रोफेशन में हो तो मेरे जैसा रिजेक्शन फेस ना करें। और फ्रेंड्स ये भी बता दूं कि ये वीडियो का पार्ट वन है, इसका पार्ट टू भी होगा जिसमें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि हमें ऑडिशंस के लिए कैसे तैयार होना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं लता सबरवाल हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आपको मिलेगा फैशन, फूड, फिटनेस और लाइफ, लेकिन सब कुछ सिंप्लीफाइड, और एक्टिंग एक्सपीरियंसेस तो मैं शेयर करती ही रहती हूँ। बहुत साल पहले की बात है फ्रेंड्स, मैं मुंबई में उस टाइम एकदम नई नई तो नहीं थी, इनफैक्ट मैं दूसरा सीरियल एज मेन लीड कर रही थी। लेकिन क्या होता है कि जो लखनऊ के स्टैंडर्ड होते थे तैयार होने के और जो मुंबई के होते थे उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता था। लखनऊ में भी हम अपने हिसाब से बहुत अच्छे से तैयार होते थे और यहाँ पर भी मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छे से तैयार होती थी, लेकिन क्या होता था कि कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस लूज होता रहता था क्योंकि जब मैं आसपास की लड़कियों को देखती थी जो कि मुंबई से थी या और दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे कि दिल्ली से थी जो कि बहुत फॉरवर्ड थी, तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं इनके जैसे क्यों नहीं बन सकती। अच्छा, तो मैं एक फीमेल प्रोड्यूसर के साथ काम कर रही थी, मैं बिल्कुल भी उनका नाम नहीं लूँगी, ग्रैटिट्यूड टू हर, क्योंकि उनकी वजह से जो है वो शो मुझे मिला था जो शो मैं ऑलरेडी कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा काम अच्छा था, मैं काम में अपनी पूरी मेहनत और लगन से करती थी क्योंकि काम ही था जो मेरे पास था, बाकी कोई मुंबई में मेरी पहचान तो थी नहीं। तो क्या हुआ कि एक बार उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि शूटिंग नहीं, सेट पे ही आके मतलब बुलाया और बोला कि हम जो है हमारा एक और शो शुरू करने जा रहे हैं जिसमें सोच रहे हैं कि आपको काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी अच्छा कैरेक्टर दें, और जो कैरेक्टर उन्होंने सुनाया वो बड़ा ही अच्छा था। तो मेरा मन एकदम खुशी से फूल उठा कि अरे वाह कितनी अच्छी बात है, और कब मतलब शुरू होने वाला है, ये सब पूछा, बहुत एक्साइटेड हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला कि ये तो पक्का आप ही कर रहे हो, मैं ही कर रही हूँ मतलब वो कैरेक्टर, क्योंकि ये बिल्कुल सूट होता है मेरे ऊपर, और वो लोग जो है डिफरेंट टाइप की जो एक्टिंग में मॉड्यूलेशंस वगैरह चाहते हैं उन्हें लगता है कि वो मुझे बताएंगे तो मैं अच्छे से कर लूँगी, सो दे वर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट आई विल प्ले द पार्ट वेरी वेल। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि लेकिन एक और मीटिंग है हमारी जिसके लिए आपको ऑफिस में आना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है। एक हफ्ते के बाद वो मीटिंग होती थी। अच्छा, क्या होता था कि मैं अक्सर देखती रहती थी कि जब मेरे आसपास की को आर्टिस्ट और लड़कियाँ जो कि थोड़ी मॉडर्न किस्म की थी वो अलग तरीके से कुछ तैयार होकर आती थी, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि क्यों नहीं मैं भी कुछ अलग तरीके से तैयार हूँ। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स कि यहाँ पर मुंबई में एक बड़ी फेमस मार्केट है लोखंडवाला मार्केट, जहाँ पे काफ़ी स्टाइलिश शॉप्स हैं और वहाँ पे स्टाइलिश कपड़े मिलते हैं, वहाँ पर गई और अपने हिसाब से कुछ अच्छे से कपड़े ले आई, मतलब काफ़ी अच्छे से कपड़े ले आई, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैंने क्या पहना था, और मैंने सोचा कि यही मैं मीटिंग में पहन के जाऊँगी। खैर, मीटिंग का दिन आया और मैं अच्छे से अपनी तरफ से अच्छे से तैयार हुई और मीटिंग में चली गई। तो जब मीटिंग में गई तो मुझे कुछ अटपटा सा लगा क्योंकि वो लोग कुछ ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे थे मुझसे, बोला कि हाँ हाँ हम करेंगे ये शो ऐसे करके, मतलब कुछ इनडायरेक्ट सी बात हुई लेकिन कुछ डायरेक्टली ऐसा कॉन्क्रीट हुआ नहीं कि चलो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या कुछ करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आया। मैं सोचती रही, खैर मैंने कहा चलो हुआ होगा ऐसा। उसके बाद मुझे कुछ दिनों के बाद मालूम चला कि मेरी जगह पर जो है किसी और को कास्ट कर लिया गया है। अगेन मेरा मन जो था वो क्वेश्चन से भर गया कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों, वो तो बोल रहे थे कि मेरे में बहुत कैपेबिलिटी है, मैं अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ और वो लोग मुझसे एक्टिंग भी करवा लेंगे और जिस तरह की चाहिए उस तरीके की, तो आखिर ऐसा क्या हो गया। तो फिर मैंने पता लगाने की कोशिश की और जो प्रोड्यूसर थी वो बहुत अच्छी थी, वो भी कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि मैं आगे बढ़ूँ ज़िंदगी में, जो गलतियाँ हैं उन्हें सुधार दी जाऊँ, तो उन्होंने इनडायरेक्टली जो है मुझ तक मैसेज पहुँचाया जब काफ़ी उन्हें पता चला कि मैं पूछताछ कर रही हूँ, इंक्वायरी जैसी कर रही हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ आखिर। तो मुझे मालूम चला कि मेरा ड्रेसिंग सेंस देखने के बाद जो है उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मैं उस रोल में फिट बैठूंगी, मतलब उन्हें एकदम से जो मेरी ड्रेसिंग सेंस था ना, क्योंकि वो एक मॉडर्न कैरेक्टर था, देख के लगा कि अरे बाबरे ये एक्टिंग तो कर लेती है लेकिन ये फिट नहीं बैठेगी बिल्कुल, ये तो वैसी जो है सूट ही नहीं कर रही है। तो ऐसी बात हुई। तो उस दिन रियलाइज़ हुआ मुझे फ्रेंड्स कि कपड़ों की कितनी अहमियत होती है, लेकिन ये भी चीज़ रियलाइज़ हुई सिर्फ महंगे कपड़े पहन लेने से, बहुत अच्छे कपड़े पहन लेने से कुछ नहीं होता है,
किस जगह पर कौन सा कपड़ा आपको पहनना है, किस मीटिंग में कैसे कपड़े पहनने हैं, किस ओकेजन पे आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, किस पार्टी में आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ तक कि ये भी ज़रूरी है कि किस प्रोफेशन में आपको कौन से कपड़े पहनने हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं मुझे बाद में पता चली, जब मैं बहुत सालों के बाद ये रिश्ता क्या कहलाता है करते के दौरान जो है इमेज कंसल्टेंट बनी। मतलब मैंने ये रिश्ता क्या कहलाता है कि साथ ही अपना जो है वो सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट का भी कोर्स किया और एक सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट का भी कोर्स किया। तब बड़े सालों बाद मुझे पता चली कि अच्छा, हर ओकेजन के हिसाब से अलग अलग तैयार होते हैं। अच्छा, अच्छे का मतलब ये नहीं होता कि हमें महंगे कपड़े पहनने हैं। फ्रेंड्स जाइएगा नहीं, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं किस तरह से तैयार हुई थी और आगे आने वाले वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ आपको। ओके, तो एक बार कह दूँ आपको, अगर आप वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, आपको यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मोटिवेशनल स्टफ के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या पहना था ये तो बता दूँ आपको। मैंने पहना था एक नेट का रेड कलर का टॉप, जिसके ऊपर यहाँ पर पूरा फर लगा हुआ था, जो कि एक बहुत ही ड्रेसी रात को होने वाली पार्टी के हिसाब का टॉप था। लेकिन मैं दिन के टाइम रेड लिपस्टिक लगा के, आंखों में मोटा मोटा काजल लगा के, जो मेरा मैं काफ़ी लगाती थी पहले भी, अभी भी लगाती हूँ लेकिन थोड़ा ढंग से लगाती हूँ अब, लगा के और साथ में जो है वो नेट वाला टॉप पहन के जिसमें इतनी मोटी फर लगी हुई थी और साथ में जो है एक अजीब किस्म की टाइट सी जीन्स पहनकर मीटिंग में चली गई थी, जो कि बिल्कुल मुझे आउट ऑफ प्लेस महसूस करा रही थी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको अब मैं डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बताया करूँगी, चाहे आप एक्टिंग प्रोफेशन में हो, चाहे टीचिंग में हो, चाहे जॉब के लिए जा रहे हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो। तो क्या होता है कि हमें अपनी जो एक्चुअल पहचान है वो नहीं छोड़नी चाहिए है। मॉडर्न बनने का मतलब या अच्छे कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो अंदर से एज जो हमारी पर्सनैलिटी है अपनी, उसे छोड़ के हम किसी और के शूज में स्टेप इन कर ले। वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी एनीवन एल्स। मैं शायद किसी और ढंग से भी मॉडर्न लग सकती थी उस मीटिंग में, अगर मैंने दूसरी लड़कियों को देखा देखी जो है सोचा कि मैं भी कुछ ऐसा पहन लूँ, मैं भी कुछ वैसा पहन लूँ, ये नहीं किया होता तो शायद मैं एक सिंपल सी शर्ट पहन के जाती, क्योंकि मैं एक सिंपल लड़की हूँ, मेरे अंदर एक लखनऊ की सिंपलिसिटी है, तो शायद मैं सेलेक्ट कर ली जाती, या शायद मैं कुछ ऐसा पहन के जाती जो कि मेरी पर्सनैलिटी से ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल एक चलिए एक कुर्ता ही पहन लेती जो कि थोड़ा मॉडर्न दिखने वाला होता, तो मेरी पर्सनैलिटी के साथ ज़्यादा जाता। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो हम एज अ ह्यूमन बींग है, एज अ पर्सन है, हमारा पर्सनल स्टाइल है जो, वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए, जो कि आगे आने वीडियोज़ में मैं आपके साथ भी डिस्कस करना चाहूँगी। सो फ्रेंड्स, वेट फॉर द पार्ट टू, क्योंकि पार्ट टू में पूरा डिटेल में आपको बताने वाली हूँ कि एड ऑडिशन से शुरुआत करूँगी मैं, कि एड ऑडिशन में हम कैसे तैयार हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।